अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। यार उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो यार आज आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। YouTube की एक अपडेट आई है जो काफी लोगों के लिए तो उससे फायदा होगा, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स हैं, उनको फायदा होगा इससे। लेकिन जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो किसी का कॉन्टेंट कॉपी करते थे या किसी के नेम से चैनल बना के उसका कॉन्टेंट अपलोड करके उससे पैसे कमा रहे थे, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम आ गई है। बहुत ही जबरदस्त सी अपडेट है, आपको सारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसा कि आपको पता है यार, मेरी हर वीडियो के अंदर प्रमोशन होती है। अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट से एक बंदा पिक करता हूं और उसे प्रमोट करता हूं, तो आज की वीडियो में भी प्रमोशन होगी। अपनी लास्ट वीडियो के कमेंट से कोई एक बंदा पिक करूंगा और उसे प्रमोट करूंगा। लास्ट वीडियो का लिंक जो है वो मैंने कॉपी कर लिया है। अब जो है यहां पर मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने लिंक जो है डाल दिया है। लिंक डालने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, तो यहाँ पर 58 जो है वो टोटल कमेंट्स हैं इस वीडियो के नीचे। तो इनमें से कोई भी एक रैंडम बंदा जो है यहाँ पर पिक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, कोई भी बंदा पिक हो जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं आपका चैनल पिक हो तो अपना जो है अपने चैनल से आप लोगों ने मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका चैनल भी पिक हो सके। तो हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं किसका चैनल पिक होता है। यहाँ पर काफी सारे चैनल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक चैनल पिक हुआ है फाइटर ओपी के नेम से। तो हम इसके चैनल को ओपन करेंगे, देख लेंगे, उसका कॉमेंट भी आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो हम इसके चैनल को चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि चैनल पे क्या है, काम हो रहा है, तभी हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्ट अपलोड कर रखी है और वीडियोज भी काफी सारी अपलोड कर रखी है। तो आप ने क्या करना है, इस भाई को जाके सब्सक्राइब करना है। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप सबने जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका चैनल भी पिक हो सके और प्रमोट हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा उस अपडेट के बारे में, वो कौन सी अपडेट है, कैसे आपने काम करना है, क्या क्या उसके नुकसान है और क्या फायदे हैं, सारी चीजें बताऊंगा। आपने वीडियो को लास्ट तक जो है वो पूरा देख लेना है। तो हमारे पास जो अपडेट आई है यार YouTube की तरफ से, जो बहुत ही डेंजरस किस्म की अपडेट है, जो छोटे यूट्यूबर्स थे उनके लिए आई है। तो इम्पर्सनेशन पॉलिसी के नेम से ये अपडेट आई है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये अपडेट है। और इसमें क्या क्या लिखा है, पॉलिसी में क्या क्या चीजें नहीं आई है, वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये जो अपडेट आई है इसमें आपने क्या करना है, ये किस चीज के लिए आई है पहले तो वो सुन लो आप। जो कॉन्टेंट आप लोग कॉपी करते थे किसी के चैनल से, आप लोग उठा के अपलोड करते थे और उससे अर्निंग भी आप लोग कर लेते थे, जैसे कोई फैन पेज होता था किसी बड़े क्रिएटर का या किसी का भी आप कंटेंट कॉपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारी चीजें आप करते थे। तो उसके रिलेटेड अब YouTube की अपडेट आई है कि अब से वो आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। उसके बारे में क्या क्या अपडेट आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आ रहा है व्हाट दीज पॉलिसीज मीन फॉर यू, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिसीज क्या मीन करती है आपके लिए। इफ यू आर पोस्टिंग कॉन्टेंट, डोंट पोस्ट कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब इफ इट फिट्स एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन नोटेड बिलो। मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है आप लोगों ने वो ध्यान में रखते हुए YouTube के ऊपर कोई भी जो है कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, वरना आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो सकता है, आपकी वीडियोस जो है वो हो सकती हैं, आपका चैनल बंद हो सकता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूं। दो ऑप्शन यहां पर आपके पास आ रहे हैं, एक है चैनल इंपर्सनेशन और दूसरा है पर्सनल इंपर्सनेशन। तो इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक जो है वो कह रहा है अ चैनल दैट कॉपीज अनदर चैनल्स प्रोफाइल बैकग्राउंड और ओवरऑल लुक। तो वो कह रहा है कि अगर कोई चैनल किसी भी बड़े चैनल का प्रोफाइल पिक्चर, उसका बैनर बैकग्राउंड, उसकी जो वीडियोज हैं वो और उसका जो पूरा लुक जो है वो चैनल अगर कॉपी करता है, तो वो कह रहा है 100% अगर आइडेंटिकल होता है किसी बड़े चैनल से तो उस चैनल को हम लोग जो है डिलीट कर देंगे, वो चैनल जो है YouTube से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रियल क्रिएटर है उसी के पास उसके राइट्स होते हैं, तो आप लोग नहीं अपलोड कर सकते। पहले लोग करते थे, इससे अर्निंग भी काफी ज्यादा करते थे, लेकिन अब नहीं कर सकेंगे। नीचे दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर लिखा हुआ है पर्सनल इंपर्सनेशन, कॉन्टेंट intended to look like someone else is posting it। तो मतलब एक content जो ये personal impersonation का जो option दिया गया है, इसमें ये content है कि आप लोगों ने अपनी profile बनाई है किसी के related, मतलब कोई भी बड़ा creator है उसको देख के आपने profile बनाई है, बिल्कुल उसी जैसी बना ली है, और आप YouTube के ऊपर ये pretend कर रहे हो कि मैं वो बंदा हूँ, मतलब मैं वो creator हूँ या मेरा ये मेरा original channel है। तो आप लोग ये गलत कर रहे हो। अगर YouTube ऐसी कोई भी जो है कार्रवाई देखता है आपके चैनल के ऊपर, तो आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसके नीचे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं काफी सारी, तो ये एग्जांपल्स में आपको बता रहा है चैनल विद सेम आइडेंटिफायर एंड इमेजेस एंड अनदर चैनल। तो कह रहा है जो सेम इमेजेस वाली चैनल होंगे, मतलब सेम प्रोफाइल पिक्चर, सेम जो है बैकग्राउंड बैनर वगैरह,
सेम कंटेंट अगर आप लोग अपलोड करते हैं तो यहाँ पर नीचे काफी सारी एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं। ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या क्या आपको नहीं करना है। स्क्रीन पे आपको सारा दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में तो आप लोग ये कॉपी करके गूगल पे ट्रांसलेट करके सारा कुछ पढ़ सकते हैं, सारा कुछ सीख सकते हैं। तो ये काफी जबरदस्त सी अपडेट आई है जो छोटे क्रिएटर्स बड़े क्रिएटर्स को कॉपी कर रहे थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। तो इससे बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनको काफी फायदा हुआ है क्योंकि उनका कंटेंट अब कोई भी फैन पेज या कोई भी बंदा अपलोड नहीं कर सकेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी यार जो आपको बतानी थी। कैसी लगी है आपको अपडेट कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।